सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की। वीडियो नंबर 42, इले नंबर 46 और 47, पूर्वार्ध 46, पूर्वार्ध 47। फट सारंगो क्षेत्र खाजे आरोगना, ये क्षेत्र खाज की लीला है रिद्धपुर में जो है। अंचे गोसावी उदयाची श्री प्रभु गोसावी असी सामोरे विजय करी थी। हमारे श्री चक्रधर महाराज सुबह सुबह ही श्री गोविंद प्रभु महाराज की तरफ रिद्धपुर जाते समय उनसे पहले पहुंच जाते थे। पुडारे श्री प्रभु गोसावी पहली क्रोनी विजय करते थे। उसी तरफ से श्री गोविंदपुर महाराज रिद्धपुर से आते थे और बीच में इधर दाबेरी इधर रिद्धपुर दोनों के बीच में सेंटर में वो जगह थी। अभी 3-3.5 किलोमीटर रास्ता है, ज्यादा लंबा नहीं है। एरियरा गोसावी असी पाली भरी आसन है, एक दूसरे अवतारों का एक दूसरे के साम पाली के पास आसन होता था। श्री प्रभु गोसावी खेल करी थी, श्री गोविंदपुर महाराज खेल करते कदाचित क्षेत्रासी विजय, कभी कभी क्षेत्र खाज में विजय करते हैं। मार्गी वाटे दक्षिणे तया सेम्बिया पासी मातंग पानाची पातली करण ठेवी, कभी कभी रास्ते में दक्षिण की तरफ सेम्बे के पास मातंग जो था पानों की मतलब पान के पत्तों की पेड़ के पत्तों की पातली पत्तल बनाकर उसमें रखता था। तीय वरी जे वेड़ी जे पदार्थ ते डोने बरोनी ठेविले अस्थि, उसमें जो पदार्थ होते थे वो ड्रोन में भरकर वहां रख देते थे। एक ही डोना हुरडा, एक ड्रोन में हुरडा होता था। एक ही डोना निमूर, एक में निमूर होता था। एक ही डोना बोम्बिया, एक में बोम्बिया होती थी। एक ही डोना चन्याचे सोले, एक में चने के छोले होते थे। एक ही डोना गोलाना, एक में गोलाना डोने में होता था। एक ही डोना लाकाचे सोले, एक में लाख के छोले होते थे। एक ही डोना वाटान्याचे सोले, एक में वाटाने मटर के छोले होते थे। एक ही डोना वाड़ाचिया पोपटी चिए, एक में वाल की उसमें पोटी होती थी। तथा तुरी चे सोले, तुरी के सोले होते थे। एक ही कुरुंदने, एक ही उड़ा, एक ही डोना कोबली वाल के सूखे हुए वालक। एक ही डोना उसाचिया पेरिया, एक में गन्ने की गंडेरिया। एक ही डोना उदक बरूनी, एक में उदक भर के रखते थे। ऐसे अलग अलग पदार्थ जो सीजनल होते थे खेतों के नेचुरल, और जो फसल होती थी उसमें से जो भी प्रोडक्ट निकलता था आउटपुट उत्पन्न कृषि उत्पन्न, वो थोड़ा थोड़ा महाराज के अलग अलग डोनों में रखते थे, साथ में पानी रख देते थे। ऐसे खेती के पदार्थ तो निच थे भी, ऐसे खेत के जो पदार्थ थे वो हमेशा रखते रहते थे रेगुलरली। वरी एक ही पातलिया झाकी, ऊपर से पत्तल से पत्ते से झक देते थे। आनी तो मातंग कड़वे आड़ वैसे, वो मातंग जो था कड़वा यानी जो उसके ड्राई रूट्स होते हैं यानी कनक गेहूं निकले उसके जो नीचे का हिस्सा होता है उसकी गठड़ियां बनाकर उसके बाजू में रखते थे खेत में, तो वहां उसके आड़ में वो बैठ जाता था बाजू में ताकि दिखाई ना दे। तब श्री प्रभु गोसावी विजय करती थी, श्री गोविंद प्रभु महाराज वहां आ जाते थे। सरी से आमचे गोसावी, साथ में उनके हमारे श्री चक्रधर महाराज आते थे। तेतु क्या एक दूरी उभे अस्थि, हमारे चक्रधर महाराज थोड़ी दूर खड़े हो जाते थे। माँ श्री प्रभु गोसावी ते क्षेत्र खाजे देखो नी, ऐसे ऐसे चवंकिती आनी मनती। श्री गोविंद मोहन महाराज वो क्षेत्र खाजे यानी उस जगह पर खाने वाली जगह पर देखते थे खाजे, थोड़ी थोड़ी चीजें जो खाते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे चवंकिती, ऐसे ऐसे उसको टेस्ट करते थे आनी मनती। मेला जाए ये काई, मेला जाए, अरे ये क्या है, अरे ये क्या है, ऐसे खाते थे। उन्होंने तेज सी उकड़ आसन हुए, वहां उकड़ आसन में बैठ जाते थे। अनुक्रमे डोने अस्तित्व व्यतिक्रमे ठेवी थी, जो डोने ऐसे थे उनको जगह बदल देते थे, कभी इधर डोना करते थे कभी उधर कर देते थे। मागुते अनुक्रमे ठेवी थी, इधर के डोने इधर करते थे फिर दोबारा से इधर के डोने वापस उधर रख देते थे। अब के पदार्थ चाबी थुंकी करुणी इतु के उतके आरोगी थी, सभी चीजें थोड़ी थोड़ी खाते थे, थोड़ी थोड़ी थूक देते थे, सभी थोड़ा थोड़ा उसको टेस्ट करते थे या प्रसादित करते थे। तेज से आरोग ना हो वहीं पर वो खा लेते थे, भोजन हो जाता था। डोना चे उदक पान करी थी, उस डोने में रखे हुए पानी को पी लेते थे। उदके चूल भरी थी अनि विजय करती, उदक का थोड़ा पानी चूल भरते थे और निकल जाते थे। मग आमचे गोसा भी विजय करती, फिर हमारे श्री चक्र महाराज उस जगह पर जाते थे क्षेत्र खाज। तीय दिशी आमचा गोसा भी ऐसी प्रसाद हुए, उस दिन हमारे श्री चक्र महाराज को उनका प्रसाद मिलता था। अमचे गोसावी दाब विहिरी सी विजय करी थी, और श्री चक्रधर महाराज वापिस दाबेरी में चले जाते थे। मग तो मातंग दो ही देवाची लीला पाहे, फिर वो मातंग दोनों देवों की लीला देखता था दूर से, अनि दंडोत घाली पर दंडोत करता था। एर एरा गोसावियां चा प्रसाद तो त्यासी होए, अब वो एर एरा गोसावियां चा प्रसाद तो त्यासी होए,
अब श्री गोविंदपुर महाराज ने लिया तो उसको चक्करदा महाराज जी ने किया, चक्करदा महाराज ने प्रसाद किया तो बच गया, तो उसको मिल जाता था मातंग को। एरी दिसी तो दूना डोना ठेवी, अगले दिन वो ज्यादा डोने रखता था। तया नाव सारंगो, उस मातंग का नाम सारंग था। श्री प्रभु गोसावी ऐसे खेलत खेलत दाब हीरी सी विजय करी थी। श्री गोविंद प्रभु महाराज ऐसे खेलते खेलते दाबेरी में जले जाते थे। अंचे गोसावी श्री प्रभु गोसावी अंचे खेल पाहत पाहत विजय करी थी। हमारे श्री चक्करदा महाराज ऐसे श्री गोविंद प्रभु महाराज का खेल देखते देखते चले जाते थे। श्री प्रभु गोसावी मनती मेला जाए, मनोनी एरा गरी विजय करुणी मग दर्वेश्वरी खेल करी थी। श्री प्रभु महाराज खेलते खेलते कभी दाबेरी की तरफ चले जाते थे और हमारे श्री गोविंदपुर महाराज, हमारे श्री चक्करदा महाराज श्री गोविंदपुर महाराज को खेल देखते देखते वहां पर साथ जाते थे। श्री प्रभु महाराज गोसावी कहते थे मेला जाए, मनोनी एरा गरी विजय करोनी मग दर्वेश्वरी खेल करी थी। फिर वो किसी घर में जाते थे, फिर दर्वेश्वर की मूर्ति के पास जाकर वहां पर चलते थे, खेल खेलते थे। वह श्री प्रभु गोसावी परमेश्वरपुरा विजय करते, फिर श्री गोविंदपुर महाराज परमेश्वरपुर चले जाते थे। पिवल तलौलिया वरी आमचे गोसावी बोलवित विजय करी थी। पिवल तलौली की तरफ हमारे श्री चक्करदा महाराज उनको छोड़ने तक जाते थे श्री गोविंदपुर महाराज को। तेथ राहुनी भाल प्रदेशावरी श्री कर ठेवनी, जब श्री प्रभु गोसावी रिद्धपुरांत विजय करी थी तब वेरी आमचे गोसावी पहात ची अस्ती, वहां खड़े होकर ऐसे हाथ रखकर जब तक श्री गोविंदपुर महाराज रिद्धपुर नहीं पहुंच जाते थे दिखाई देते, तब तक हमारे चक्करदा महाराज उन्हें देखते रहते। माँ गोते दाब भेरी से विजय करती, दोबारा वो दाबेरी में वापिस आ जाते थे। ऐसे आमचे गोसावी नित्य श्री प्रभु गोसाविया से सौ मिल जाती। ऐसे हमारे श्री चक्करदा महाराज हर रोज श्री गोविंद प्रभु महाराज के समीप उन्हें मिलने जाते थे। बीच में माँ गोते बोलवित जाती, फिर उनको सी ऑफ करते थे। ऐसे प्रतिदिन दो ही देवासी पिवल तलौलिया भेंट हो, ऐसे प्रतिदिन दोनों अवतारों का पिवल तलौली में भेंट होती थी। कदाचित एकादिया वेले श्री प्रभु गोसावी ना यती, कभी कभी एकादे समय से गोविंद प्रभु महाराज नहीं आते थे। तीन दिन से आमचे गोसावी विजय करी थी, हमारे चक्कर महाराज वहां जाकर उनकी वेट करते थे। माँ पिवल तलौलिया चिया पाड़ी वरी उबे राहुनी परमेश्वरपुरा कड़े बाल स्थलावरी श्री कर ठेवनी पहात थी। फिर पिवल तलौली के किनारे पर, पिवल तलौली यानी ये तालाब था, पिवल तलौल तल का तालाब था, उसके पाली यानी किनारे पर, तालाब के किनारे पर खड़े होकर श्री चक्करदा महाराज परमेश्वरपुर की और बाल स्थलावरी ऐसे हाथ रखकर देखते थे। इसे गोविंदपुर महाराज आ तो नहीं रही, आ तो नहीं रहे। माँ गोसावी मागुते दाबेरी से विजय करते, फिर श्री चक्करदा महाराज जब देखते थे कोई नहीं आ रहा तो वापस दाबेरी चले जाते थे। मग येवनी दाब विहरी सी पानी पात्र करी थी, फिर वापिस आकर दाबेरी में भिक्षा करते थे। यहाँ पर लीला नंबर 46 संपूर्ण होती है। लीला नंबर 47 रूप नायका बेटी। अब यहां पर श्री गोविंदपुर महाराज और श्री चक्करदा महाराज की लीलाएं संपूर्ण हो गई हैं। अब अगली जो लीला है वो सादा के मामा के बारे में है, जो रूप नायक जो रिद्धपुर में रहते थे, तो इनका प्रसंग यहाँ पे जुड़ता है। यहाँ से चक्करदा महाराज उन्हें मिले हैं तो उसके बारे में बता रहे हैं। लीला नंबर 47 रूप नायका बेटी। हे गोष्ठी गोसावी जोगेश्वरी पानी पात्र प्रदानी सादावरी सांगित, यह बात महाराज ने जोगेश्वरी में भिक्षा के प्रसंग पर सादा को प्रति बताई। सादा ते सुरंद मणितले, सादा को स्वामी ने कहा, सादे हो माम्याचा गरी जयवाल की भिक्षा करो नि जयवाल, अब रिद्धपुर जा रहे हो तो मामा के घर में खाना खाओगे या भिक्षा करके खाओगे। मग सादी मणितले, हा जी गोसावी माम्या ते के भी जानती, अरे महाराज आप हमारे मामा को कैसे जानते हैं। या वरी सुरंद मणितले, सादे हो हे पूर्वी दाबेरी से होते, सादा हम पहले दाबेरी में थे। रूप नायक थे सादा चे मामे, अब वो महाराज स्टोरी सुना रहे हैं। रूप नायक सादा के मामा थे, त्याचे एक घर रिद्धपुरी होते एक घर काटसरा होते, उनका एक घर रिद्धपुर में था एक घर काटसुरा में था। गोसावी असी दर्वेश्वरा चा बालान्या वरी आसन असे, महाराज का दर्वेश्वर दाबेरी के बालाने पर आसन था। तब रूप नायक आले, तो रूप नायक आए, गोसावी आते देख ले यानी दर्शना सवे ची वेद ले, महाराज को देखा और दर्शन होते उनकी तरफ आकर्षित हो गए। दंडवते गातली श्री चरण लगे, दंडवत की और श्री चरण लगे। गोसावियाते बिन विले, महाराज से विनंती की, जी माजिया गावासी विजय करावे जी, महाराज हमारे गांव चले आप। गोसावी मानिले, महाराज उनकी बात मान गए।
आपल्या गावा काठ सुरयासी घोड़ा भावनी घेवनी गेले और अपने गांव काठ सुरा में घोड़े पर बैठाकर महाराज को ले गए। श्री चरण प्रक्षालन के लिए श्री चरण प्रक्षालित किए। गोसावयासी बोलनी दिदली मर्दना जाली मर्द। महाराज को नहाने वाला वस्त्र दिया, तेल मालिश हुई, स्नान कराया, पूजा की, अरोगने लागी बिन मिले, भोजन के लिए विनंती की। वह गोसावयासी ताट के लिए महाराज के लिए ताट किया। तद भावी दूधा तूपा वाटी बरुनी ताटावरी ठेवली और उसमें दूध और तूप वाटी भरकर ताट में रखी। मग दूधा तूपा ची आरोगना झाली, दूध और घी का भोजन हुआ। गुड़ला जाला बिड़ा जाला, कुल्ला हुआ बिड़ा हुआ। तेथ त्यांचा ची घरी वस्ती जाली, वहां पर उस दिन महाराज की जो वस्ती थी उसके घर में ही हुई। मग उदया सींची तेथोनी बीजे के लिए, फिर सुबह सुबह महाराज वापिस दर दावेरी आ गए। सादी मणित ले, हा जी तो पूजा करूं के भी जाने। महाराज वो पूजा करना कैसे जानते थे? संध्या मणित ले, बाई ते आगमिक पूजा करूं जानती। वह आगमिक थे, साधना करने वाले थे, वह पूजा करना जानते थे। तो ये रूप नायक जो थे सादा के मामा, उनके घर भी श्री चक्रधर महाराज गए। वहां पर रहते हुए दाबेरी से काठसुरा गए श्री चक्रधर महाराज। काठसुरा में जो स्थान है, तो जो महाराज दाबेरी रहते चक्रधर स्वामी रहते थे, तो उनका भी संबंधित स्थान काठसुरा में है। दंड प्रणाम। इसके साथ ही लीला नंबर 47 संपूर्ण होती है। वीडियो नंबर 42 यहां पूर्ण होती है। दंड प्रणाम। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की। आगे जो 48 और 49 लीलाएं हैं वो हम पहले कर चुके हैं सालवर्डी के उसके अंदर ही, तो वीडियो नंबर शायद 19-20 के करीब होगा। हाँ 20-21 है, 20-21-22 इन दो में कहीं पे है ये। आगे है अभिंजी गोडवाड़ा अवस्थान और ससी करक्षण, ये लीलाएं हो गई हैं। अब अगली वीडियो 43 में हम लीला नंबर पूर्वाद 50 सिंदुरजन वाली करेंगे। दंड प्रणाम। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय।